हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केड़ो हाल छे दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी मेडिकल एग्ज़ाम यानी कि इंडियन आर्मी का मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफिंग देने वाला हूं मेडिकल से रिलेटेड इंडियन आर्मी की। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि इस पे वेबसाइट पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, मेडिकल एग्ज़ाम कैसे यानी कि मेडिकल क्राइटेरिया कैसे लिया जाता है। तो जैसे ही आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कैप्शन भी डालना होगा। ये कैप्शन इसलिए पूछा जाता है बिकॉज ये चेक किया जाता है कि आप जो वेबसाइट ओपन कर रहा है वो रॉबर्ट तो नहीं है, इसके लिए बस ये पूछा जाता है। तो चलिए जो आपको कैप्शन लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर सेम वही आपको नंबर पुट कर देना है। तो चलिए मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ और एंटर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसको लिया जाता है यानी कि मेडिकल एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है। तो ये देखिए वेबसाइट हमारी ऐसे ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको आना है JCO और OR एनरोलमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी, जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस और भी बहुत सारे तमाम चीज़ें, हमको मेडिकल क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक कर देना है बिकॉज हमको मेडिकल के बारे में जानना है। तो चलिए मैं मेडिकल क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे हम मेडिकल क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो मेडिकल क्राइटेरिया है ये आपको अच्छे से रीड करना है। तो चलिए मैं आपको इसको सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको मैं इसको सरल में बताता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ये मैं आपको रीड करता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है, अ कैंडिडेट शुड हैव फिजिक, गुड फिजिक एंड गुड मेंटल हेल्थ, यानी कि उसका एक अच्छा फिजिक होना चाहिए, उसको कोई भी टाइप की बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका जो मेंटली जो पावर है यानी कि जो दिमाग है उसका संतुलन दिमाग होना चाहिए, एक हेल्दी दिमाग होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वो है चेस्ट शुड बी वेल डेवलप्ड हेल्दी, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए, यानी कि आपका जो चेस्ट है दोस्तों ये प्रॉपर डेवलप होना चाहिए। आपका जो लेफ्ट चेस्ट है और जो राइट चेस्ट है ये प्रॉपर सेम साइज़ के होने चाहिए। किसी किसी का ये थोड़ा डिफर करता है तो ये अनहेल्दी में आ जाए, काउंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दोनों चेस्ट हेल्दी होने चाहिए, मिनिमम आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। 77 के बाद आपका कितना भी चलेगा, प्लस इसके साथ साथ आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन भी होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट है दोस्तों ये देखिए, शुड हैव नॉर्मल हियरिंग विद ईच ईयर एंड गुड बायनोक्युलर विजन इन बोथ आइज, आपको 6x6 आइज चाहिए डिस्टिंक्ट विजन का, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि आपके जो ईयर्स हैं, जो आपके दोनों ईयर्स हैं ये प्रॉपर सुनने चाहिए, आपका हियरिंग पावर सेम होना चाहिए दोनों ईयर्स का। साथ ही साथ आपका जो बायनोक्युलर यानी कि जो आपकी आई सेट है ये भी प्रॉपर होनी चाहिए 6x6, ये डिफर करती है। आपको चश्मे भी लिए जाते हैं पर चश्मे का भी एक लिमिट होता है। इसके अंदर दोस्तों जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ, जनरल ड्यूटी के लिए जो भी 6x6 यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं सोल्जर, जनरल ड्यूटी इन्फेंट्री के लिए उसके 6x6 आई साइड होनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों यानी कि जो सिग्नल का जो कलर होता है ये भी देखिए, थर्ड पॉइंट के अंदर सिग्नल का कलर लिखा हुआ है ऑरेंज वाइट ग्रीन, यानी कि रेड वाइट ग्रीन, ये आपका डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए। इसके अंदर जो दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है ये देखिए, आप शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ नेचुरल हेल्दी गम्स एंड टीथ, आपके 14 डेंटल पॉइंट आपके जो भी दांत हैं दोस्तों ये एक हेल्दी टीथ होने चाहिए, सारे नेचुरल टीथ होने चाहिए। आप कोई भी टाइप का आर्टिफिशियल टीथ आपने नहीं लगाया हुआ है, मेक श्योर आप कोई भी टाइप का आर्टिफिशियल टीथ नहीं लगा के जाइए, ठीक है। उसके अंदर जो अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों ये है, शुड नॉट हैव डिसीज ऑफ डिफेंट्री ऑफ बोन्स, हाइड्रोसिल और पाइल्स, आपको यानी कि कोई भी टाइप की बीमारी नहीं होनी चाहिए लाइक एक्सटेंशन ऑफ बोन्स या फिर आपका हो गया फ्रैक्चर हो गया या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, ऐसे टाइप के आपको डिसीज़ नहीं होने चाहिए। अगर आपको ऐसे टाइप के कोई डिसीज़ हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप इंडियन आर्मी के लिए आगे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो भी पोस्ट के लिए आप रैली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हैं कुछ मेडिकल क्राइटेरिया जिसको आपको जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, अगर आप फ्यूचर में रैली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये सारे मेडिकल एग्ज़ाम के जो भी क्राइटेरिया हैं इन सबको आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।